सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स फ्लाइट्स को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए डेली ऑसम फैक्ट्स जानने के लिए। सच्चाई क्या है? हम तो यही मानते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी देखते हैं वही सच है, मगर हम दावे से यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वो सचमुच मौजूद है? या फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया को जिस रूप में देख रहे हैं दूसरे भी उसे वैसे ही महसूस करते हैं? इस बात में शक नहीं है कि हमारी सेंसेस सच्चाई को बिल्कुल सच्ची बना देती हैं। ये चीजें ठोस हैं, लेकिन शायद हमारा सच भ्रम का एक बड़ा ही नाजुक सा टिश्यू है, उस भ्रम का जो हमने अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और शायद पूरी दुनिया के बारे में बना रखा है। जब मैं छोटा था तब एक जादूगर हमारे शहर में आया। वो बहुत अच्छा था। उसके खेल देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर ही शक होने लगा था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करता, मेरी समझ में नहीं आता कि वो जादू वो कैसे कर रहा है। मैं क्या नहीं देख पा रहा था और क्यों नहीं देख पा रहा था। डेविड गबे जैसे इल्यूजनिस्ट जो खेल दिखाते हैं उसमें वो हमें बार बार बेवकूफ बनाते हैं, भले ही हम उन्हें कितने भी ध्यान से क्यों न देखें। वो हमारे दिमाग की उस इवननेस का फायदा उठाते हैं जिससे हम अपनी दुनिया को समझते हैं। डेविड हमारे दिमाग को सच समझने का मौका नहीं देते, बल्कि वो हमारा ध्यान कई तरीकों से हमारे पास मौजूद परसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन से भटका देते हैं। इस लिहाज से मुझे तो लगता है कि डेविड हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। डेविड के खेल एक मेंटल शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं जिसे मॉडल कंप्लीशन कहते हैं। देखिए वो कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक खरगोश देख रहे हैं, फिर किसी रुकावट के कारण वो खरगोश हमें पूरा नजर नहीं आता, तो क्या खरगोश वहीं पर है? बिल्कुल है। हम ये बात इसलिए जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी मेमोरी में दर्ज आंकड़ों के हिसाब से खरगोश का एक थ्री डायमेंशनल मॉडल बना लेता है। हमारा दिमाग गायब कड़ियों को जोड़ देता है। हमारे दिमाग में इस तरह के करोड़ों मॉडल स्टोर्ड हैं। हम उन सब को जोड़कर ही दुनिया की ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमें सच्चाई लगती है। सच्चाई की हमारी समझ पर इस बात का गहरा असर पड़ता है कि हमारी सेंसेस साथ में किस तरह से काम कर रही हैं। हमारे कई अलग अलग सेंसरी सिस्टम हमारे दिमाग से इंटरैक्ट करते हैं। हमारा दिमाग वो सारी जानकारियां जमा करता है और उनसे एक कहानी गढ़ता है जिसे हम सच्चाई कहते हैं। हम जितना जानते नहीं उससे कहीं ज्यादा तो अंदाजा लगाते हैं, और मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में हमारी जानकारी में ही जाती हैं, लेकिन जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तब हमारा पूरा ध्यान उसी चीज पर होता है, लेकिन हम जो नहीं देख पाते उसका भी असर हमारे ऊपर होता है, और वो सिर्फ हमारी आंखों से मिलने वाली जानकारी से ही नहीं बनता बल्कि उन जानकारियों से भी बनता है जो हमें अपने कान या नाक या स्किन से मिलती है। ये सब कुछ होता रहता है, हम उसे महसूस करते हैं और उसे विजुअल रियलिटी मान लेते हैं, मगर उसके ऊपर दूसरी सेंसेस का भी असर होता है। मगर हम जो कुछ भी सोचते हैं उनमें बहुत सी बातें मिस भी कर जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पास एक जैसी ही सेंसेस हैं। इसके बावजूद हम किसी चीज को दूसरों से बिल्कुल अलग देखते हैं। क्या हम में से कोई उस दुनिया का अंदाजा लगा सकता है जैसी वो असल में है? प्रोफेसर चार्ल्स फाल्को उनमें से एक है जो ऐसा कर सकते हैं। वो उस इनविजिबल दुनिया की खोज कर रहे हैं, उस सच्चाई की जो हम नहीं देख पाते। इंसान का विजन सिस्टम तो उस लाइट का बहुत छोटा सा हिस्सा ही कैप्चर कर पाता है जो इस दुनिया में मौजूद है। अगर हम किसी चीज को सिर्फ अपनी आंखों से देखें तो हमें यही लगता है कि हम उसे समझ भी रहे हैं, मगर सच तो ये है कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा टूल्स की मदद से देखते हैं तो आपको उसके बारे में और ज्यादा बातें पता लगेंगी। इस लिहाज से सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हम सच्चाई की स्टडी के लिए जितने ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हमें उतना ही ज्यादा पता लगता है कि सच्चाई हमारी जानकारी से ज्यादा बड़ी है। ऐसा कोई एवोल्यूशनरी प्रेशर नहीं था जिससे एक ऐसा जीव बने जो सच्चाई को उसके असली रूप में देख सके। हम इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि सच्चाई को उतना ही देख पाते हैं जितना हमें देखना चाहिए। जब हम किसी चीज को देखते हैं तब ये जरूरी नहीं है कि हमारा दिमाग भी उसे उसी तरह से इंटरप्रेट करे जो हमारी आंखें देख रही हैं। हम कैमरे नहीं हैं, हमारे रेटिना के पीछे हमारा दिमाग भी है,
और दिमाग हर जानकारी को प्रोसेस करने के बाद बताता है कि वो हमें क्या दिखाना चाहता है। हमारी दुनिया में हमारे पास इतनी विजुअल इन्फॉर्मेशन है कि हमारा दिमाग हमारे ध्यान को किसी एक ही जगह पर फोकस करता है। हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर लगाते हैं जो हमारे सामने होती है और दूसरी जगहों पर हो रही चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हमारा ध्यान किसी चीज पर जाता है तब हमारे न्यूरॉन विजन के फील्ड की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और आसपास के रीजन की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। इसी तरह से हम अपनी दुनिया को बायनोक्यूलर से देख पाते हैं। हम सच्चाई के बहुत ही छोटे से भाग को देख पाते हैं जो हमारे सामने होती है। बहुत सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं, काफी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं, और ये संभव ही नहीं है कि उन सभी को प्रोसेस कर लिया जाए। हम सभी का दिमाग, हर जीव का दिमाग एवोल्यूशन के दौरान इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि हम जानकारी के एक छोटे से हिस्से को ही प्रोसेस कर सकें, और ऐसा नहीं करने पर सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। मगर सच्चाई सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी मैं या आप देख पाते हैं। हम उसे शेयर करते हैं। हम दूसरों की ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को मिलाकर देखते हैं। अगर हम इस बात पर सहमत ना हो कि क्या सच है और क्या नहीं, तो हमारा समाज चल ही नहीं पाएगा। मगर ये साहब मानते हैं कि हमारी वो शेयर्ड रियलिटी ही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया जान पाए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स हर रोज जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।